बैंक की तरफ से ही। यस बैंक 5000 शेयर 12 रुपए का भाव, मध्यम अवधि का नजरिया। भूपेश जी ने क्या सलाह आप उनको देंगे? डिटेल डिस्कशन हुई थी एक दो एपिसोड पहले, अगर उसको ध्यान रखेंगे तो सेम मामला है। तो हमारी बात हुई थी कुछ लेकिन अभी भी सिचुएशन ऐसा है कि आज का जो लो है उसके पास इमीडिएट सपोर्ट है, मान लो 15 रुपए का सपोर्ट है। 15 के नीचे करेक्शन तो है, अब वो करेक्शन 25 पैसे का और सपोर्ट आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि 15 के नीचे 14 एक रुपए का और करेक्शन दे। तो अभी तक ऐसा ही दिख रहा है कि जो राइज हुई है उसका कूल ऑफ चल रहा है, और इसके कूल ऑफ में आज का लो 15 रुपए के आसपास का सपोर्ट है, लेकिन ये डाउन साइड एक्सटेंड होती है यहाँ से नीचे भी क्लोजर टू 14 रुपीज। तो बहुत क्लैरिटी इसलिए मैं आपको नहीं कह सकता इसमें, बिकॉज अभी भी प्रॉफिट बुकिंग इसमें ट्रिगर्ड है। तो जब तक प्रॉफिट बुकिंग जो फॉर्मेशन है वो निगेट नहीं हो जाता है, तब तक तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें खत्म हो गया डाउनसाइड। ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज का लो अगर नहीं टूटता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो हो सकता है इसका एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाए, लेकिन आज के लो के नीचे क्लोज होगा तो और भी नीचे जाएगा। अब वो नीचे कहाँ जाएगा इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि 1475 पे या 1375 पे, वहाँ तक नीचे जा सकता है, ये पॉसिबल है इसमें डाउनसाइड, जब तक प्रॉफिट बुकिंग निगेट नहीं हो जाती। और आप पूछेंगे पैटर्न कहाँ पे ख़त्म होता है, तो मुझे लगता है अर्ली इंडिकेशन 13 के नीचे ही है कि इसका पैटर्न जाने वाला है, उसके पहले इंडिकेशन भी नहीं आएगा कि पैटर्न जाने वाला है। बाकी बॉटम ऐसा बना है, इतने कंसोलिडेशन से बना है कि 12 रुपए के नीचे अगर क्लोज होगा तो ही फ्रेश लो बनेगा, अदरवाइज ये ऐसे ही टाइम पास होता रहेगा। जी नहीं, 12 रुपए का लो तो ठीक है, वो वहाँ पे तो अच्छा कंसोलिडेशन बना है, लेकिन आप अगस्त से ही देखिए इसने जब भी चाल पकड़ी है तो बड़ी तेज स्पाइक के रूप में वो चाल आई है, और उसके बाद जैसी स्पाइक बनी है उसी तरह से वो वापस रिट्रेस भी हुआ है। हर स्पाइक आप देखिए, जितनी बार आपको टॉप बनते हुए नज़र आ रहे हैं अगस्त के बाद से, आपके पास वापस रिट्रेसमेंट भी लगभग 100% का बनता है। तो वैसे में ये जो अभी जून से अभी स्पाइक शुरू हुई है, मतलब कितना भरोसा करें कि ये वापस फिर से ये 100% रिट्रेस नहीं हो जाएगा? ये स्पाइक भरोसे का था ही नहीं ना, ये स्पाइक तो न्यूज बेस्ड था कि पूरी सब ज्वाइन करेंगे बोर्ड और उसके पीछे की बाइंग है, तो ये कोई फंडामेंटल चेंज होने की तो बाइंग है नहीं, तो पूरी की पूरी रिट्रेस हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? तो जहां से न्यूज शुरू हुआ था, जैसे HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के साथ हुआ, जहां से बाइंग शुरू हुई थी न्यूज बेस, वहां पे आके करेक्शन उसके नीचे ही जाके खत्म हुआ, बिकॉज मार्केट और भी वीक है। तो जहां से डिमांड आई थी वहां तक वापस जा सकता है, बिकॉज वो तो न्यूज है, न्यूज जब तक हकीकत ना बने तब तक वापस जा सकता है वो। इसलिए 13 रुपए तक के इसमें चांसेस 13.5 के आसपास तक के चांसेस वापस जाने के बने रहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग खत्म नहीं हुई है, चांस और बढ़ जाएगा नीचे जाने का आज के लो के नीचे अगर क्लोज होता है, तो और चांस बढ़ जाएगा कि नीचे पूरा 100% रिट्रेस हो जाए। जी,